हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ एक यमी डिलीशियस और बहुत ही स्पेशल रेसिपी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत यमी माउथफुल फ्लेवर वाली रेसिपी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है और इस सीजन में इजी टू अवेलेबल है ये वेजिटेबल। सो आज हम फ्रेंड्स बना रहे हैं बिल्कुल प्योर वेज एक रेसिपी जिसको आप बेहद पसंद करने वाले हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं और वेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक अमेजिंग रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से बना डालिए ये यमी डिलीशियस वेजिटेबल रेसिपी और साथ में बनाइएगा राइस और रोटी और इस रेसिपी का आनंद लीजिए। हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हम लाएंगे आपके लिए और ऐसी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल मटर मशरूम कढ़ाई पनीर। देखिए कितना यमी है, डिलीशियस। मुंह में पानी आ रहा होगा ना फ्रेंड्स, बहुत यमी है और इतना स्वादिष्ट बना है ये कि आप इसे बनाना बार बार पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, जल्दी से इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए और बना डालिए ये यमी डिलीशियस मटर मशरूम कढ़ाई पनीर, वो भी स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल्स के लिए। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में, हम आपको बताएंगे टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये यमी डिलीशियस रेसिपी कैसे बनती है मैजिक विद मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। सो चले फ्रेंड्स, बना लें ये यमी डिलीशियस रेसिपी। कढ़ाई ले ली हमने, उसमें डाल देते हैं ऑयल। ये तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हम फ्राई कर लेंगे ये शिमला मिर्च। हम यहाँ पे लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च यूज करने वाले, बट पीले और लाल को हम करेंगे अलग तरीके से फ्राई और हरे को करेंगे अलग तरीके से फ्राई। तो जस्ट हमें 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई करना है। इस तरह से हमने कट किया है, तो ये हमने येलो शिमला मिर्च फ्राई कर लिया। अब हम रेड शिमला मिर्च फ्राई कर रहे हैं। ये हमने आधा शिमला मिर्च लिया है, इतनी रेसिपी बनाने के लिए हमें आधा शिमला मिर्च चाहिए, उसको इस तरह से डाइसेस में हमने कट किया है। तो येलो हमारी फ्राई हो चुकी है और रेड भी हमारी फ्राई हो चुकी है। जस्ट 30 सेकंड हमें फ्राई करना है, ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना है बिकॉज ये मसाले में जाने वाला है और ये इसको हमें क्रंची रखना है। ये हमने मशरूम लिया है, तकरीबन 100 ग्राम मशरूम है, इसको हमने इस तरह से कट कर लिए, 4 कट किया है और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें 30 सेकंड ही फ्राई करना है और 30 सेकंड में इसे अच्छे से फ्राई करके हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। जस्ट ये इसका कलर चेंज होगा और सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लगभग 30 सेकंड ही फ्राई करना है हमें, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। 30 सेकंड फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मशरूम हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल देते हैं। इन सारे वेजिटेबल को हमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है, इसको जस्ट इसको सॉफ्ट करना है बिकॉज इसको हम बाद में पकाने वाले हैं। सो इसको हमने जस्ट 30 सेकंड के लिए सबको फ्राई कर लिया। हमने अलग अलग फ्राई किया ताकि इनका फ्लेवर बना रहे। अब ये हमने गरम मसाले लिए, इसमें काली मिर्च है, 4 से 8 काली मिर्च है, 4 लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और बे लीव्स। इसको हमने ऑयल में डाल दिया, चटकने देंगे इनको, मसालों को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच टुकड़ा जिंजर का जो हमने चॉप किया है। हम ये प्योर वेज बना रहे हैं इसलिए ऑनियन और गार्लिक हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो हम 1 इंच टुकड़ा जिंजर का यूज कर रहे हैं। तो जिंजर को अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स और ग्रीन चिली। हमने 2 ग्रीन चिली ऐड किया है। इसको जस्ट अच्छे से फ्राई होगा तो इसका जो एक फ्लेवर निकलता है वो हमारे वेजिटेबल में होगा। हम 1 टीस्पून डाल देते हैं क्यूमिन सीड्स
और इसको अच्छे से चटकने देते हैं। तो ये खड़े मसाले हैं, इनका फ्लेवर हमारे वेजिटेबल में बहुत अच्छे से आता है, तो इनको हम फ्राई होने देते हैं। अब हम ऐड कर देंगे ये प्योरी टमाटो की, जो कि हमने 3 टमाटो से बनाया है, और ऐड कर देंगे कोरिएंडर। ये हम 3 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर ले रहे हैं। हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, ये हम 2 टीस्पून ले रहे हैं रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग लें। तो ये सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें एक स्पेशल मसाला मिलाने वाले हैं जो कि कढ़ाई मसाला है, रोस्टेड मसाला है, तो उसको हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम ऐड कर देते हैं 1/2 कप पानी और ये मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे ये हरे मटर, जो कि बहुत अच्छे यमी होते हैं। इसमें इस वेजिटेबल में आप ज़रूर मिलाइए हरे मटर, आप देखेंगे कि इसका टेस्ट दुगना होता है। हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना ऑयल नहीं छोड़ देता और अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पे टोमेटो ग्रेट करके लिया है प्योरी बना, आप चाहें तो इसको प्योरी बनाकर भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ हमने अभी 2-3 चीजें और फ्राई करनी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। तो ये हमने 1/4 टीस्पून लिया है सभी चीजें, और इसमें हम फ्राई करेंगे हमारे पनीर जिसको हमने क्यूब में कट करके रखा है। हमने 200 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पे, तो ये 200 ग्राम पनीर को हमने इस तरह से क्यूब में कट करके रखा है। इसको हम इस तरह से ऑयल में जस्ट 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसमें एक अच्छा सा रोगन, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इन मसालों में हम इसको पनीर को फ्राई करते हैं तो एक अच्छा सा कलर आ जाता है और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो ये एक मैरिनेशन की प्रक्रिया है, जस्ट हल्का सा हमें इसे फ्राई करना है। 30 सेकंड में ये जो है फ्राई हो चुका है अच्छे से, और इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ हम शिमला मिर्च को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं, जो हरे वाले शिमला मिर्च है उसको हमें मसाले में फ्राई करना है, सो हमने उसको बचा के रखा था। तो हरे वाले शिमला मिर्च को हम ऐड कर देते हैं और उसको इन मसाला वाले ऑयल में हम फ्राई कर लेते हैं जस्ट 30 सेकंड के लिए। तो एवरीथिंग 30 सेकंड के लिए ही हमें फ्राई करना है। तो देखिए ये हरे शिमला मिर्च हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। और अब बचते हैं हमारे टोमेटोज जिनको हमने चॉप करके रखा है, तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ग्रीन वेल पेपर फ्राई हो चुके हैं अच्छे से ऑयल में, और इसी ऑयल में, बचे हुए ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे टोमेटोज को। तो ये 2 टोमेटो है जो हमने इस तरह से चॉप करके रखा है, तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इनको हमें 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो चुके हैं टोमेटो हमारे, तो हम निकाल देते हैं। ये सारे वेजिटेबल हमारे फ्राई हो चुके हैं 30 सेकंड के लिए। ईच एंड एवरी वेजिटेबल को हमने 30 सेकंड दिया है फ्राई करने में, और दोनों तरह के वेजिटेबल को अलग अलग तरीके से हमने फ्राई किया है, जो कि इस वेजिटेबल में एक अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। तो हमारे जो मसाला है वो फ्राई हो चुका, देखिए जो मटर है वो भी सॉफ्ट हो गया, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है ऑयल। तो ये मसाला जो है अच्छे से फ्राई होने के बाद ये ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो ये मसाला हमारा लगभग रेडी है जिसको हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें ये जो वेजिटेबल सारे हमने फ्राई करके रखे थे ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इन वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, ये 30 सेकंड के लिए फ्राई हो चुके हैं, इसमें एक हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, सो इसको हम बाद में ऐड करते हैं। पनीर अभी हमने ऐड नहीं किया बिकॉज पनीर हमें सॉफ्ट रखना है, सो उसको हम बाद में ऐड करेंगे लास्ट में जब ये वेजिटेबल प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम इसमें मिला रहे हैं एक स्पेशल मसाला, ये है फ्रेंड्स भुना कढ़ाई मसाला, जो कि कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कढ़ाई मसाला की रेसिपी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो ये
अभी हमने दो टेबलस्पून मिलाया और थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद आप देख सकते हैं कलर ये सॉफ्ट हो चुका है, जो हमने साबुत डाइसेस में कट किए थे वेजिटेबल्स वो सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए इसमें। तो ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है काफ़ी, और ये कुक हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो वेजिटेबल है इसमें कई स्टेप्स होते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे घर की बिल्कुल फ्रेश क्रीम। तो ये हमने हाफ कप क्रीम यहाँ पे ऐड किया है। फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप मार्केट वाली क्रीम भी ले सकते हैं, और यदि क्रीम ना हो तो आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध ऐड करने के बाद थोड़ा सा चला लीजिएगा जिससे कि दूध नहीं फटे। तो ये देखिए क्रीम ऐड करने के बाद हम ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी हाथों से रगड़कर, और उसके साथ ही ऐड कर देंगे ये पनीर। तो ये वेजिटेबल लगभग रेडी है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। पनीर को ज़्यादा कुक करने की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज हमने 30 सेकेंड उसको कुक किया था, इतना ही काफ़ी होता है। हम इसको मिलाने के बाद थोड़ा सा 1 से 2 मिनट देंगे हम इसे कुक करने में। ऐड कर देते हैं शुगर, हमने यहाँ 1 टीस्पून शुगर ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक कुक किया। आप देख सकते हैं कि कलर कितना ब्राइट हो गया है इसका, और ये वेजिटेबल बहुत अच्छे से कुक हो चुका, इतना डिलिशियस लग रहा है खाने में, कितना अच्छा होगा ये आप बनाकर देखिए। चलिए वेजिटेबल हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर दिया हमने, अब इसे कर लेते हैं प्लेट। तो ये देखिए यम्मी डिलिशियस हमारा स्पेशल मटर मशरूम कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है, और साथ में बना लीजिए रोटी, बहुत यमी है होता है, डिलिशियस होता है। राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, इतना यमी है कि आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जल्दी से बना डालिए, इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल होगा, और साथ में बनाइएगा रोटी या राइस, और हमें बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।